नीलम जी चलो चलिए, नीता जी बोलिए। थैंक यू सर। सर आज प्रीति जी के साथ जाके इनसे ट्रीटमेंट करवा के बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने मेरा भी ट्रीटमेंट किया, काफी रिलीज हुआ। नेक में पेन थी तो काफी टाइम लगाया, इन्होंने घर आने में भी लेट हो गई तो, कोई लेकिन दिक्कत बहुत नहीं। अच्छा इन्होंने रिलीज किया। और दूसरा सर बड़े अच्छे, मतलब पहली ही विजिट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो सिर्फ आपकी बदौलत है सर। बिल्कुल इतना अच्छा, वो मतलब एकदम से कहते हैं कि मैं इतनी जगह, दो तीन पेशेंट्स तो इन दिनों ऐसे आए, कहते हैं कि इतनी जगह हम होके आए, हमें अब उम्मीद लगी है कि हम ठीक हो सकते हैं। तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम ठीक भी हो सकते हैं। सर टिनिटस का तक का पेशेंट मैंने बिल्कुल लिंगो दवाई से ठीक किया, SI3 से, एकदम से बिल्कुल उसको पहली ही विजिट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, काफी रिलीफ मिला। और मतलब उस वो कम से कम 8-10 पेशेंट्स को लेके आई वो लेडी, बिल्कुल गाजियाबाद आप से और कहाँ कहाँ से, शालीमार बाग से। और वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आप आ जाओ, हम आपको पेशेंट्स भी देंगे, जगह भी देंगे, आप आ नहीं जाओ बस। बिल्कुल देखिए, लेकिन आपने यहाँ जाना दो तो दो मुझे, हाँ बिल्कुल आपने दो महत्वपूर्ण बात बताई जो मैं सब पूरे ग्रुप को बार बार बताता हूँ कि आपका रिजल्ट ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। रिजल्ट ईश्वर पे छोड़िए, अच्छा कर्म कीजिए और सबसे पहले खुद पे विश्वास रखिए। यस यू कैन डू वंडर्स। एंड पहले दिन बिना रिजल्ट दिए क्लिनिक से बाहर पेशेंट नहीं जाने देंगे। सर और यही चीज हम ध्यान रखते हैं अब। बिल्कुल, तो नीता ठकराल जी ने, अब देखिए अब क्या होता है, एक अगर आप ब्रेक करते हैं ना, वो एक बीज होता है वो बहुत सारे पेड़ उगाता है। एक अच्छा पेशेंट जो उम्मीद छोड़ देता है उसको अगर रिजल्ट मिलता है तो आपका चेंज शुरू हो जाता है। इसलिए ये बिल बोर्ड बना के, बड़े बड़े बोर्ड बनाकर आपको ज्यादा कोई फायदा वाली बात नहीं है। फायदा वाली बात है कि आपको कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है। जैसे आज मैंने सिखाया भी कि वर्कशॉप कैसे लगाना है। आज आपको मैं अंडमान निकोबार द्वीप के द्वीप में लेकर गया और वहां से वर्चुअल क्लिनिक से आपको दिखाया। देखिए वहां पर एक पहला पाले में 100 पेशेंट बैठे हुए थे, 3 पाले बनाए थे हमने। तो आज दिन भर में लगभग लगभग वो 200-300 पेशेंट वहां पर देख लेंगे और सबको हम वेल एजुकेट करके और बिल्कुल सबको फीडबैक लेकर छोड़ेंगे। फीडबैक का मतलब है वो हमारे टच में रहेंगे, हम ऐसे ही उनको नहीं जाने देंगे। और वहां पर जितने लोग मौजूद है, एक एक आदमी को रिजल्ट देने तक हमारी यात्रा जारी रहेगी। काम करने का तरीका आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, काम नहीं करते, वो खाली पैकेज बनाने में, पेशेंट को बार बार बुलाने में ये यकीन रखते हैं। और सबसे पहला जो नीता ठकराल जी ने बोला कि हाँ मुझे पहले सिटिंग में रिजल्ट मिला, तो इन्होंने खुद के ऊपर भी हमारे थेरेपिस्ट से लिया और पेशेंट पे भी रिजल्ट दिया। तो ये दोनों चीजों की पारखी हो गई। इससे मैं सारे लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी कायरो करने के पहले अपने बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट लीजिए। हमारे सारे थेरेपिस्ट आपस में, एक एक शहर में दो दो तीन तीन लोग आराम से मौजूद हैं, आपस में मिलिए और एक दूसरे के ऊपर ट्रीटमेंट लीजिए। तब आपको महसूस होगा कि मुझे अपने पेशेंट पे क्या ट्रीटमेंट का डिलीवरी कराना है। डिलीवर्ड करने के पहले आप उसके सफरर होने चाहिए। सफरर का मतलब है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप पर आए, वो आप उसको करेक्ट कर सके, वो बोल सके यहाँ तुम्हारा प्रेशर ज्यादा है, यहाँ तुमने पेन कर दिया, यहाँ तुमने बहुत अच्छा किया, ये मुझे दोबारा करो। तो करने वालों को भी मालूम होता है कि ये चीजें मुझे और रिपीट करनी चाहिए, इस चीजों से मुझे बचना चाहिए, ये चीज मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो हमारा जो सीखना होता है वो आमने सामने बैठकर नहीं सीखा जाता है, बल्कि आपस में प्रैक्टिस करते हुए सीखा जाता है। दिल्ली से फरीदाबाद नीता ठकराल जी सिर्फ इसलिए गई कि यह अपने ऊपर ट्रीटमेंट, क्योंकि इनको मैंने कहा भी था कि आप खुद ट्रीटमेंट ना करके किसी से करवाइए, उससे आपको यह फायदा होगा कि आपको महसूस होगा कि ट्रीटमेंट बॉडी पे आप जब पेशेंट का देते हैं तो वो कैसा महसूस करता है। और इन्होंने वो चीज भी लिया और ये ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट देख रही है। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने दूसरों के लिए 11 11 पेशेंट इकट्ठे कर दिए कि देखो भैया तुमको कितने पेशेंट चाहिए। तो पेशेंट की कमी नहीं है, रिजल्ट दीजिए, पेशेंट लाइन लगा के आपके पास आएगा। कौन सा ऐसा घर है जिसमें, एक बात बताइए, किसी न किसी प्रकार का दर्द रोगी मौजूद नहीं है, हर घर में है। तो इसलिए कंसंट्रेट कीजिए क्लिनिक चलाने के तरीके पे। सर और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, नीता ठकराल जी ने क्लिनिक खोलने के लिए मेरे को बहुत बार बोला, बोला नहीं अभी नहीं खोलना है, अभी खर्चे नहीं पालना है, अभी जैसा करते हो होम से करो और उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। प्राय लोग क्या करते हैं, बड़ा खर्चा करके क्लिनिक खोल लेते हैं, फिर दिक्कत में आ जाते हैं। अभी दिक्कत में नहीं आना है, अपनी उम्र को देखना है, अपने घर को देखना है, अपने काम को देखना है। चाहे 1 घंटे के लिए भी आप काम कीजिए,
लेकिन वो 1 घंटा आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ आवर होना चाहिए, और उस 1 घंटे में जो भी रोगी आपसे मिले वो चेहरे पे खुशी और होठों पे आपके लिए दुआ लेकर आपके क्लिनिक से बाहर कदम रखना चाहिए, और ये बोलकर जाना चाहिए, मैं जाता हूं बोलकर नहीं वो जाए, वो कहे कल फिर आता हूं ऐसा बोलकर जाए। ऐसी शुभकामना मेरी तरफ से आप सबको, और ऐसा होता है सिर्फ अच्छे रिजल्ट देने पर। तो नीता ठकराल सर जी आप एक बहुत और अच्छा काम कर रहे पेशेंट का हैं। फीडबैक है, एक अच्छा और पेशेंट का फीडबैक था सर, जी उसकी ना आवाज चली गई थी बिल्कुल, मतलब बोलना बंद ही हो गई थी, 3 दिन तक तो वो बोली ही नहीं। कई हॉस्पिटल्स में उसने चक्कर लगाए सर, 2-3 साल पहले की वो मेरी पेशेंट थी, पहले मैंने उसकी काफी चीजें ठीक की थी, शोल्डर पेन और काफी चीजें, तो अब वो दोबारा कहती है उसको पहले ध्यान नहीं आया आपका, तो अब दोबारा वो आई और उसके सर पहले ही दिन से, क्योंकि वो गुरुद्वारे में गाती है, गुरुद्वारे में वो कीर्तन भजन करती है, तो गाती है। पहले ही दिन से जैसे मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई तो अगले दिन कहती है आज मैं दोबारा काफी दिनों के बाद गई हूँ और गुरुद्वारे में मैंने कीर्तन किया, तो चलिए कहीं मुझे सेम कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आया कि मैं सेम गा सकती हूँ आपसे। तो बहुत बढ़िया। तो आपको मेरा क्लास करके मतलब ना उम्मीदी नहीं हुई? नहीं सर बहुत अच्छा, शुरू से ही अच्छा पहले ही दिन से मैं काफी टाइम से करना चाहती थी, लेकिन बहुत, बहुत कुछ सीखा सर 2 सालों में मैंने आपसे। चलिए चलिए, बहुत 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 आभार मेरे पूरे ग्रुप की तरफ से, आपका धन्यवाद, और ऐसा ही करते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, लोग आपके लिए दुआ देकर जाएं, अच्छे चीजें देकर जाएं, और आपके हाथ में और बरकत हो। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे 2 टेलीफोन नंबर है 7002506486 और 9435021006, और आगामी सीरीज में जो कायरो एक्यूपंचर, कायरो गन और कायरोप्रैक्टिक के ऊपर में शुरू होने जा रहा है, जो पार्ट 2 होगा, उसमें आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई मदद की जरूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।